जहर पीजिएगा तो बनिएगा, आप भी जहर पीजिएगा तो बनिएगा। जहर पीने से आदमी मरता है। गुजरात में भी तो पाबंदी थी, गुजरात में भी तो पाबंदी थी, क्यों वहाँ जहरीली शराब पी कर लोग मर गए? उत्तर प्रदेश में क्यों लोग मर गए? अरे हम कहते हैं कि जहाँ शराब बंदी नहीं yes, है yes. वहाँ क्यों जहरीली शराब पी के लोग राम, मर जाते हैं? अरे तो गुजरात में क्यों मर गए? उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पी के क्यों मर गए? कोई भी जहर पिएगा, आप भी जहर पीजिएगा तो मरिएगा। जहर पीने से आदमी मरता है, क्योंकि शराब का नशा हो चाहे मादक पदार्थ का नशा हो, कोई भी नशा देश के हित में नहीं है। राम कृपाल जी प्लीज आप बैठिए। महाबली सिंह जी, महाबली सिंह जी को ही क्यों लाते हैं आप? अरे उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं लाते? गुजरात में जहरीली शराब पी के मरा है, वहाँ की महाबली सिंह जी। अरे राम कृपाल सिंह जी, जहरीली शराब पी के आदमी मरा, बिहार में मरा है। राम कृपाल सिंह जी आप बैठे। जहर पी के मर गया है और राम कृपाल सिंह जी मर गया। Please sit down. Whenever your time will come, you can. Yes, Ram Kumar Singh ji. Ram Kumar Singh ji. Ek second. Bihar ki hi kya ho rahi hai? Mahabali Singh, remember. Bihar please sit down. Bihar ki baat hogi Gujarat ki nahi hogi. Uttar Pradesh ki nahi hogi. Madhya Pradesh ki nahi hogi. Bihar ki kya hogi? Arey Muni Swami ji. Arey Muni Swami ji. Mahabali Singh ji. Honorable member Mahabali Singh ji, please address the chair. जब शराब बंदी का समय बीजेपी भी तो महाबली सिंह समय आप इधर देखिए जब अलग हो गए महाबली सिंह ऐसी बातें निकल रही है। सिर्फ 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 कल तो यार बिहार में आप भी मेरे साथ थे तो उस समय शराब बंदी के पक्ष में थे। नहीं सिर्फ आज जब अलग हो गए तो सरकार से विरोध किया। जितने आधा मिनट को बाइट अप करो, आधा मिनट को नहीं है, सबको प्रूव होना है, उसकी मतलब चिंता मत करिए। महोदय, ये देश के लिए बहुत बड़ा एक गंभीर समस्या है, क्योंकि देश के अंदर मादक पदार्थ के सेवन के चलते कम से कम करोड़ों नौजवान और छात्रों का भविष्य जो है आज खतरे में पड़ा हुआ है, और इसके चलते देश के अंदर जो भी क्राइम हो रहा है वो मादक पदार्थ के नशे के हालत में 100 में 70% क्राइम इस देश के अंदर नशे के हालत में की जाती है। अगर रोड एक्सीडेंट होता है उसमें 100 में 70% शराब के नशा हो या मादक पदार्थ के नशा हो, 100 में 70 लोग नशे के हालत में एक्सीडेंट करते हैं। क्राइम जो भी होता है देश के अंदर महोदय, जो भी गलत क्राइम होता है, चाहे अपराध होता है, चाहे घरेलू हिंसकें होती है, वो कोई भी बिना नशा के नहीं ऐसा कर सकता। करने में वो बहुत हिचकता है आदमी। अगर कोई क्राइम करने जाता है तो इस तरह उसे लगता है कि हम ये गलत काम करने जा रहे हैं, लेकिन वही जब नशा के हालत में जाता है तब उसको गलत और सही का पता उसको नहीं चलता है, और सही चीज को भी मादक पदार्थ के नशे के हालत में वो गलत काम कर बैठता है। तो और ये जो समस्या है महोदय, ये समस्या मेरे देश के अंदर एक जो है विदेशी जो शक्तियां हैं जो हमारी सीमावर्ती हिस्से में आती हैं, वो एक साजिश के तहत बांग्लादेश से, नेपाल से और पाकिस्तान के रास्ते, ये बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के रास्ते हमारे देश में ये मादक पदार्थों की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। मंत्री महोदय, चाहे मर्फिया हो, चाहे हेरोइन हो, चाहे अफीम हो, चाहे चरस हो और चाहे ये ड्रग्स हो, ये तीन देश जो है हमारे देश के सीमा में, बांग्लादेश के रास्ते, नेपाल के रास्ते और पाकिस्तान के रास्ते, ये तीन रास्ते से यहां तस्करी हो रही है और बड़े पैमाने पर
ये एक उद्योग धंधा जैसे होता है, ये तस्करों का एक बहुत बड़ा उद्योग धंधा देश के अंदर चल रहा है। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं, सदन के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि आप जिस तरह से सीमावर्ती हमारे क्षेत्र हैं उन पर जैसे ड्रोन है, ड्रोन से उसकी देखरेख करिए। हमारे ऐसा नहीं, हमारे सेना ने ड्रोन के रास्ते के चलते हैं बहुत अभी तस्कर पकड़े गए हैं, बहुत हथियार भी पकड़े गए हैं, बहुत मादक पदार्थ भी पकड़े गए हैं, लेकिन उसको इस तरह से निगरानी किया जाए ताकि जो विदेशी तस्कर हैं वो किसी तरह से देश में ऐसे पदार्थों का तस्करी न कर सके। देखिए देखिए सांसद महोदय, सभापति महोदय हमारे बिहार की चर्चा ये कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार, हम तो ये कहते हैं कि देश के अंदर सभी राज्यों में नशा पर पाबंदी लगाया जाए। वही कह रहे हैं कि पाबंदी लगाया जाए, गुजरात में भी तो पाबंदी थी, क्यों वहां जहरीली शराब पीकर लोग मर गए, उत्तर प्रदेश में क्यों लोग मर गए। अरे हम कहते हैं कि जहां शराब बंदी नहीं है वहां क्यों जहरीली शराब पी के लोग मर जाते हैं। राम कृपाल सिंह जी, बिहार में नीतीश कुमार ने शराब बंदी बैठे आप वो राज्य के हित में किया आप है। चेयर को एड्रेस करो। और हम तो चाहते हैं कि जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार ने बिहार में नशा बंदी लागू किया है वो देश के अंदर नशा बंदी किया जाए। क्योंकि ये सभापति महोदय देखिए, कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर नीतियां वो बनाती है तो सिर्फ आर्थिक सृजन के लिए नहीं बनना चाहिए देश के अंदर, देश के नौजवानों, देश के गरीबों, देश के सब लोगों के लिए होना चाहिए, सिर्फ आर्थिक सृजन के लिए नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं बिहार में शराबबंदी से मानते हैं कि राजस्व की वहां क्षति हो रही है। अरे तो गुजरात में क्यों मर गए, उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पी के क्यों मर गए, छत्तीसगढ़ में जहरीली शराब पी के क्यों मर गए, मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पी के क्यों मर गए, बिहार में ही आज बिहार। अरे कोई भी जहर पिएगा, आप भी जहर पीजिएगा तो मरिएगा। जहर पीने से आदमी मरता है, जहर पीने से आदमी मरता है, अगर जहर पीजिएगा तो मरिएगा। इसलिए हम बता देते हैं ऑनरेबल मेंबर महाबली सिंह जी, बिहार ही नहीं ऑनरेबल मेंबर महाबली सिंह, मध्य जो है द्रव्य पदार्थ है, जो भी मादक पदार्थ है वो सब जगह रोक लगनी चाहिए। क्योंकि शराब का नशा हो चाहे मादक पदार्थ का नशा हो, कोई भी नशा देश के हित में नहीं है। और हम आज सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं, एक बार फिर दोहराना चाहते हैं, राम कृपाल जी नहीं, राम कृपाल जी प्लीज आप बैठिए। महाबली सिंह जी को ही क्यों लाते हैं आप? अरे उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं लाते? गुजरात में जहरीली शराब पी के मरा है, वहाँ के महाबली सिंह जी, अरे राम कृपाल सिंह जी जहरीली शराब पी के आदमी मरा, बिहार में मरा है। राम कृपाल सिंह जी आप बैठे जहर पी के मर गया है, और राम कृपाल सिंह जी मर गया। प्लीज सिट डाउन, व्हेनेवर योर टाइम विल कम यू कैन। सभापति महोदय, यस राम कृपाल सिंह जी, सब जगह की बात राम कृपाल सिंह जी, एक सेकंड बिहार की ही क्या हो रही है? महाबली सिंह जी एक सेकंड राम कृपाल यादव जी, व्हेनेवर योर टाइम विल कम यू कैन गिव रिप्लाई, प्लीज सिट डाउन। महाबली सिंह जी बिहार की बात होगी, बिहार की बात होगी, गुजरात की नहीं होगी, उत्तर प्रदेश की नहीं होगी, मध्य प्रदेश की नहीं होगी, बिहार की क्यों होगी? अरे मुनि साहब जी, अरे होनी चाहिए चर्चा तो देश भर के लिए ना होनी चाहिए। ऑनरेबल मेंबर महाबली सिंह जी प्लीज एड्रेस टू चेयर। इसलिए
इसलिए सभापति महोदय हमारा विषय ड्रग अब्यूज है, इसलिए वही सभापति विषय के ऊपर आप चर्चा करें। एक मिनट में हम आ रहे हैं, हम तो आ नहीं रहे थे। प्लीज, प्लीज। तो आपने लगा कि बिहार में क्यों हो रहा है भाई, बिहार में हो रहा है वो तो ना, ना, राम कृपाल जी आप बैठे, आप सीनियर मेंबर है। राम कृपाल जी, you are the senior member of this house, please sit down, whenever your time will come you can reply it, please, you are very senior, you are senior member, you know how to reply him, you sit down, whenever your time will come you can reply। महावीर सिंह जी, जब शराबबंदी का समय बीजेपी भी तो महावीर सिंह समय, आप इधर देखिए, आज जब अलग हो गए महावीर सिंह जी, ऐसी बातें निकल रही हैं। सिराम सिराम काल तो यार मेरे मेंबर सिराम सिराम भी मेरे साथ सिराम, तो उस समय शराबबंदी के पक्ष में थे ना सिराम, आज जब अलग हो गए तो सरकार से विरोध। ऑनरेबल मेंबर सुप्रिया सुले जी, ऑनरेबल मेंबर सुप्रिया सुले जी, प्लीज प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। Why you are replying to him? You can address to chair. Why you are replying to him? Mahabali Singhji, Kribal Singhji, please sit down. Please wind up. यहाँ जितने आधा मिनट को बाइट अप करो, आधा मिनट को। परमानेंट नहीं है, सबको प्रूव होना है, उसकी मतलब चिंता मत करिए। यहाँ कोई परमानेंट बन के नहीं आया है, सबको प्रूव बनना है एक दिन, इसलिए सभापति महोदय fine, हम सदन के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो भी मादक पदार्थ है देश के अंदर, ये विदेशी ताकतों के इशारे पर हमारे देश के नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा धन्यवाद। है, इसलिए इसको रोकने के लिए ठोस से ठोस कानून बनाना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए।